भारी बारिश के बाद बिहार में जनता बेहाल है, लेकिन इसके साथ ही नेता भी परेशान हैं। पटना के राजेंद्र नगर स्थित अपने निजी घर में परिवार के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को NDRF की टीम ने रेस्क्यू किया है। सुशील मोदी की उनके परिवार के साथ सड़क पर खड़े एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सह परिवार नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू के बाद सड़क पर परिवार के साथ खड़े सुशील मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लालू ने ट्वीट किया है कि 15 साल का विकास आज सड़क पर खड़ा है। लालू यादव ने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर करते हुए तंज कसा है कि विपक्ष को गाली दे देकर बिहार में इतना विकासे कर दिए हैं कि अब सुशील अपने और नीतीश के 15 बरस के विकास के साथ सड़क पर खड़ा है। गरीबों का घर उजाड़ने वाले आज खुद ही सड़क पर आ गए हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये बयान लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए दिया है। दरअसल सुशील मोदी के रेस्क्यू की तस्वीर को लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा है कि यह बिहार के त्रासदी की तस्वीर है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार की त्रासदी इस तस्वीर में है। पटना वासियों ने 35 सालों से सुशील मोदी और उनकी पार्टी को सभी चुनावों में जिताया है। ये खुद 15 साल से सरकार में नगर विकास मंत्री रहे हैं। अगर इन्होंने ड्रेनेज का फंड भ्रष्टाचार में ड्रेन करने की बजाय काम में लगाया होता तो आज इस अवस्था में ना खड़े होते। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भी सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज से 20 साल पहले हमारी सरकार में सीवरों की नियमित सफाई होती थी। भारी बारिश के कारण अगर 1-2 घंटे कुछ इंच जल भराव होता था तो उसी 2-3 इंच पानी में सुशील मोदी नौटंकी करने धरने पर बैठ जाते थे। इनके 15 साल के राज में 4 दिन से 5 से 6 फुट गंदा पानी जमा है। अब ये नौटंकी क्यों नहीं कर रहे हैं? SPN9 न्यूज के लिए मैं भ्रमांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।